Hello and welcome to Ganesh Institute. Welcome back, and you are always welcome here. Today's topic is truth tables and the conditional statement. We will learn something about truth table, how we can form it, and what are the conditional sentence, which is the part of discrete mathematics. So let's begin. So all right, I gave you some questions last time, जिसमें homework दिया था मैंने आपको दो question, जिसमें बोल रहा था कि p की value cricket है, p denotes cricket, q denotes football and r denotes tennis. Question यहाँ पर given है, if it is not true that Mohit plays cricket or tennis, but not football, तो cricket and tennis क्या है, p and r, और football क्या है, q. Not football है तो negation का sign लगाना पड़ा. All right, क्योंकि शुरुआत में ही it is not true लिखा है, यानी whole bracket के बाहर भी negation का sign आएगा. दोनों को connect हमने and से किया है, मैंने आपको बताया था but हो या and हो तो दोनों को ही intersection से connect करके लिखते हैं. तो इस तरीके से first equation आपकी form हो गई. I hope आपका जो answer आया था वो बिल्कुल exactly same होगा जो मैंने screen पे लिखा है उसके. Next में बोल रहा है Mohit does not play cricket और टेनिस बट फुटबॉल, तो सेम यहाँ पर करना है. नॉट का मतलब नेगेशन है. क्रिकेट और टेनिस को हम पी एंड आर से डिनोट कर रहे हैं, और के लिए साइन हम यूनियन का लगाते हैं, तो मिड में हमने यूनियन का साइन लगा दिया. इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया. बट फुटबॉल लिखा है, मैंने बोला था बट एंड के लिए हमें इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है, तो इंटरसेक्शन के साइन से हमने फुटबॉल को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर फुटबॉल क्या है, क्यू. All right, अब आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर. सो लेट्स मूव फर्दर. जो आज का टॉपिक है, हमें ट्रुथ टेबल बनानी सीखनी है और प्रूव करना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. इक्विवेलेंट का साइन है ये, ठीक है, तीनों जगह. सो यहाँ पर बोल रहे हैं नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू क्या इक्वल होगा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू के. This is called intersection, this is called union. Same यहाँ पर एक और statement given है. So it is like negation of P intersection Q. क्या equivalent है negation of Q, P intersection negation of Q के. और last पूछ रहा है P union Q क्या equivalent है negation of negation P intersection negation Q. So let's see, is it possible or not? सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप जस्ट जोट डाउन इन योर नोटबुक और इन योर एग्जाम शीट. उसके बाद एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें आप सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिखेंगे किस किस चीज़ की नीड है. सबसे पहले हमें पी की नीड है, देन क्यू की नीड है, फिर नेगेशन ऑफ पी की नीड है, फिर नेगेशन ऑफ क्यू की नीड है, और फिर इस सिंबल के साथ इसे जोड़ने की नीड है, और ये सिंबल क्या है, यूनियन का. फिर इसके बाद किस चीज़ की नीड है, इसके बाद हमें नीड है पी इंटरसेक्शन क्यू की, और फिर उसके नेगेशन की. चलिए टेबल में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने P की वैल्यू लिखी, देन Q, देन नेगेशन P, नेगेशन Q, देन नेगेशन P और नेगेशन Q को यूनियन से जोड़ दिया जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपको. देन राइट हैंड साइड की इस वाली वैल्यू को फॉर्म किया नेक्स्ट स्टेप में, एंड लास्ट हमने इसका नेगेशन कर दिया जो क्वेश्चन की डिमांड है. ऑल राइट, मैंने आपको बताया था जब सिर्फ दो ही हमारे पास कंडीशन होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, जैसे पी एंड क्यू गिवन है यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे, टू टाइम्स ट्रू देन टू टाइम्स फॉल्स. सो यहाँ पर टू टाइम्स ट्रू आ गया एंड टू टाइम्स फॉल्स, और फिर उसका टू का हाफ कितना होता है, वन. तो अब एक बार ट्रू लिखो, फिर एक बार फॉल्स लिखो, फिर एक बार ट्रू लिखो, फिर एक बार फॉल्स लिखो. नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या है, पी की वैल्यू का जस्ट अपोजिट. यहाँ पर ट्रू था तो अब आप फॉल्स लिखोगे, यहाँ पर ट्रू है अगेन फॉल्स लिखोगे, यहाँ पर फॉल्स है देन ट्रू, एंड यहाँ पर फॉल्स है अगेन ट्रू. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्यू का नेगेशन करना है, सो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा, देन यहाँ पर आपका ट्रू, देन यहाँ पर आपका फॉल्स, अगेन यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ट्रू.
फिर आपको यूनियन से कनेक्ट करना था. यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था, जब दो फॉल्स होंगे देन ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर केस में यानी एक भी ट्रू आता है तो रिजल्ट आपका ट्रू ही रहता है. ऑलराइट, यहाँ पर एक फॉल्स था बट एक ट्रू था ना, तो इस ट्रू की वैल्यू की वजह से यहाँ पर ट्रू आया. यहाँ पर दोनों ही फॉल्स थे इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला है इंटरसेक्शन निकालना है आपको. इंटरसेक्शन निकालना है पी एंड क्यू का, सो जस्ट इनका इंटरसेक्शन कर दीजिए. इंटरसेक्शन में आपको हमेशा याद रखना है जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू वैल्यू आएगी, एक फॉल्स आने से वैल्यू फॉल्स हो जाती है. तो फर्स्ट के केस में ही सिर्फ ट्रू बन रहा है, बाकी नेक्स्ट में फॉल्स आया क्यू में, दैट्स वाई रिजल्ट में आपका कंक्लूजन में आपका फॉल्स आया. फिर पी में फॉल्स था इसलिए कंक्लूजन में फॉल्स, फिर पी एंड क्यू दोनों ही फॉल्स थे तो रिजल्ट भी फॉल्स. ऑल राइट, फिर इस सिक्स कॉलम का बस नेगेशन करना है आपको सेवन्थ में. सो ट्रू का आपने फॉल्स लिख दिया, फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू. ऑल राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी फिफ्थ कॉलम है और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेवन्थ कॉलम. अगर आप दोनों की वैल्यूज देखोगे तो दे आर एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट और आइडेंटिकल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वैल्यू हमारे कॉलम फाइव की एंड सेवन की आइडेंटिकल है. तो ये प्रूफ करता है जो हमें गिवन इक्वेशन मिली थी उसे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको सेम करना है. सबसे पहले टू टाइम्स टू लिखेंगे, देन टू टाइम्स फॉल्स, देन एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स. उसके बाद दोनों का यूनियन लेंगे. यूनियन में अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू. लेकिन जहां पर ट्रू नहीं है तो वहां पर फॉल्स ही रहेगा. ऑलराइट, देन बी का नेगेशन करना था, आई मीन थर्ड कॉलम का नेगेशन करना है फोर्थ में. सो नेगेशन कर दीजिए, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, एंड फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू. नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या है, जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको बस उसका आपको अपोजिट लेना है. तो ट्रू की वैल्यू को फॉल्स लिख दिया, देन ट्रू की अगेन वैल्यू को फॉल्स लिख दिया, देन फॉल्स की वैल्यू को ट्रू, देन अगेन फॉल्स की वैल्यू को ट्रू. ये वाला आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू बाय योर ओन, इसलिए ध्यान से समझिए. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्यू का नेगेशन करना है. सो आपका कॉलम नंबर टू क्यू है, उसका बस अपोजिट वैल्यू लिख दीजिए. सो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू. ऑलराइट, फिर सेवन्थ कॉलम में बस आपको इन दोनों का यूनियन ले लेना है. यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब दोनों ट्रू वैल्यूज होंगी तब ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स वैल्यू पे रिजल्टेंट क्या हो जाता है फॉल्स, एक भी फॉल्स वैल्यू पे रिजल्ट क्या हो जाता है फॉल्स एंड फॉल्स. ऑल राइट, सो यहाँ पर भी हमने एक चीज ऑब्जर्व की, क्वेश्चन में जो इक्वल प्रूफ करने को बोला था तो दोनों कॉलम, कॉलम नंबर फोर एंड कॉलम नंबर सेवन दोनों आइडेंटिकल अगेन आए हैं. सो हैंस प्रूफ्ड आपकी इक्वेशन करेक्ट है. अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, सो सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन, आप कर सकते हैं डेफिनेटली. मैंने आपको बता दिए कितने सेवन कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कॉलम्स बनाए. फर्स्ट की वैल्यू सेम सिमिलर प्रोसेस से लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आए हम, टू टाइम्स टू, टू टाइम्स फोर्स. ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, पहले टू लिख लो या पहले फोर्स लिख लो, बट इससे आपका कोई भी वैल्यू छूटेगी नहीं और हमेशा करेक्ट आंसर आएगा. इसलिए हम ऐसा करते हैं, जब पी एंड क्यू दो वैल्यू गिवन है तब टू टाइम्स ट्रू लिखते हैं, टू टाइम्स फॉल्स लिखते हैं. और क्यू की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसका जस्ट हाफ कर दो. टू का हाफ कितना होता है वन, तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स. ऐसे करके मुझे पूरी टेबल आप कंप्लीट करके दें, कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल चेक इट आउट कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. आप देखेंगे रिजल्ट में थर्ड कॉलम जो था, ये वाला कॉलम इज आइडेंटिकल टू सेवन्थ वन. सो आपकी गिवन इक्वेशन भी इक्वल है इस आंसर में, ठीक है. ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. चलते हैं, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है ना उसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी.
चलिए देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स, ठीक है? किसकी ट्रुथ वैल्यू का रिजल्ट ट्रू है और किसका फॉल्स, ये देखेंगे हम आगे। तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं सन राइजेस इन ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन से, मैंने बोला था ना ए एंड डी एंड अगर लिखते हैं तो ये फर्स्ट ए लेटर आपको इंटरसेक्शन जैसा दिख रहा है, राइट? तो इसे ऐसे भी फॉर्म कर लेते हैं कई बार हम, ओके? सो नेक्स्ट में लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली दिल्ली की कैपिटल है सबको पता है, तो इट इज ट्रू। देन एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाएंगे, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूएसए की क्या कैपिटल लंदन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यूयॉर्क है वो, तो ये वाली फॉल्स है। एक बार बताना इंटरसेक्शन में अगर एक भी फॉल्स आता है तो रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स ना, तो यहाँ पर इसलिए रिजल्ट क्या है, फॉल्स। एग्जाम में आएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, इसलिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3 - 2 gives you 1, सो ये वाली बिल्कुल सही है, करेक्ट। 4 + 2 से रिजल्ट क्या बनेगा, 6, ये भी सही है, सो आपका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, ट्रू एंड ट्रू क्या बना फॉर्म करता है, ट्रू ना, सो दैट्स वाई रिजल्ट इज ट्रू। सो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, 6 is divisible by 3, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। एंड यानी इंटरसेक्शन, 11 is multiple of 3, क्या 3 का 11 मल्टीपल है, तो नहीं है, सबको पता है, फॉल्स। तो ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स क्या देता है, एक भी फॉल्स आए तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, क्योंकि सेकंड पार्ट फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट भी क्या हो गया, कंक्लूजन भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कंडीशन लगी होती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। अब सेंटेंस देखते ही आप समझ जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल पास एग्जाम, तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो एग्जाम में पास होने के लिए कंडीशन क्या है, कि आपको हार्ड वर्क करना है। इफ यू स्लीप देन यू विल मिस दैट मूवी, मूवी मिस हो जाएगी, यहाँ पर भी कंडीशन है। If it rains heavily, then there will be floods. अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो floods होगी होगी, तो ये क्या है, condition. Next statement is, if you earn 30,000 a month, अगर तुम्हें 30,000 रुपए मंथ कमाते हो, तुम earn कर लेते हो, it is sufficient. तो ये sufficient है for home loan, home loan के लिए। तो अगर 30,000 कमाओगे तो होम लोन मिलेगा, अगर इससे कम कमाते हो देन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अगर हम कंक्लूड करें, अभी जो हमने कंडीशनल सेंटेंस का पढ़ा है, तो ये बताता क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट जब फॉर्म होती है, एक स्टेटमेंट को बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, और टू सिंपल स्टेटमेंट मिलके क्या बनाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट, और उन्हें कनेक्ट कर दिया जाए किसके साथ, इफ और देन से, अगर तो, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो मैंने बोला इफ और देन से कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट कोई स्टेटमेंट होगी जिसे हमने पी मान लिया है, देन सेकेंड कोई स्टेटमेंट होगी जिसे हम क्यू मानते हैं, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, पी टेंस टू क्यू, क्या कहते हैं, पी टेंस टू क्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पी है क्या, पी एक हाइपोथेसिस है, और क्यू क्या है, एक कंक्लूजन, आपको पता होना चाहिए पी क्या होती है, हमेशा हाइपोथेसिस, और क्यू क्या है, कंक्लूजन। सो पी टेंस टू क्यू को हम कैसे कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं। हम बोल सकते हैं P implies Q, हम बोल सकते हैं P only if Q, हम बोल सकते हैं Q is necessary for P, अगर Q है तो P होगा, ठीक है।
या फिर बोल सकते हैं क्यू इज इम्प्लाइड बाय पी, या बोल सकते हैं पी इज सफिशियंट फॉर क्यू. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट बोलो या लिखी मिले आपको एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्वेश्चन बोल रहे हैं पी टेंस टू क्यू. क्लियर? अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट जब पेपर में एग्जाम में ये स्टेटमेंट चेंज होके आती है ना, समटाइम्स स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड होता है, कैंडिडेट को बहुत हार्ड होता है कि फाइंड आउट करना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. तो इसलिए ये मैं चाहूंगी कि आप पांचों वे पी टेंस टू क्यू के अच्छी तरह लर्न रखें. तो देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल बनती कैसे है कंडीशनल सेंटेंस की, यानी पी टेंस टू क्यू. ऐसे भी लिख सकते हैं आप डबल एरो, मतलब इक्वल टू एंड एरो बना के, या फिर सिंगल लाइन ड्रॉ करके देन एरो बना के ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों का ही मतलब इफ और देन से है, यानी टेंस टू, टेंस टू. ओके, सो देखिए आप क्या करेंगे. अगेन पी एंड क्यू सिर्फ दो है, पी क्यू आर तो नहीं है. अगर आर नहीं है देन आप क्या करेंगे, टू टाइम्स टू लिखेंगे, टू टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, देन एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स. कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक चीज याद रखनी होगी, हमेशा याद रखनी होगी कि सिर्फ फॉल्स तब आएगा जब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है. एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि आप 30,000 कमा रहे हो. अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि पर्सन जो 30,000 कमा रहा है उसे होम लोन मिल जाएगा. तो ऐसा हो सकता है 30,000 कमा भी रहे हो और होम लोन ना भी मिले? नहीं हो सकता ना. तो सिर्फ यही केस है जिसमें टेंस टू, यानी इफ और देन वाले सेंटेंस में फॉल्स आता है, पी टेंस टू क्यू वाले सेंटेंस में फॉल्स आता है कंक्लूजन में. अदरवाइज हर केस में क्या आएगा, ट्रू. तो नीचे मैंने नोट में ये लिख भी दिया है, पी टेंस टू क्यू हैज अ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स. जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, सिर्फ उसी केस में फॉल्स आएगा. बाकी हर केस में क्या हो जाएगा, ट्रू. हर केस में क्या होगा, ट्रू. चाहे फॉल्स फॉल्स क्यों नहीं है, वो भी ट्रू होगा. बट जिस केस में फॉल्स से ट्रू से फॉल्स बन रहा है और रिजल्ट भी फॉल्स आ रहा है, सिर्फ वही केस क्या होगा, फॉल्स कंक्लूजन फॉर्म करेगा. ओके, क्या कंक्लूजन फॉर्म करेगा, फॉल्स. I hope you like this video. If you like, then subscribe to our channel, hit the like button and share our video. Hope you see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. और हमेशा याद रखिए, आपके टाइम से वैल्यू, आपकी नॉलेज से वैल्यू, नॉलेज की वैल्यू, आपकी टाइम की वैल्यू से ज़्यादा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपके ब्राइट फ्यूचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं. I hope we will meet in our next videos. Bye bye.